बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। सर, कल रात को बीएसएफ ने एक मिलिटेंट को मारा था सर, उसकी जेब में से ये मिला सर। अल्ताफ, कैसी लगी मेरी पेंटिंग? अल्ताफ कहाँ तुम? आप में और मुझ में एक छोटा सा फर्क है खान साहब, मैं बच्चों की जान नहीं लेता। अल्ताफ कहाँ तुम? शंकराचार्य की तरफ देखिए खान साहब, आपके जन्मदिन की फुलझड़ियां छूटने वाली है। जन्मदिन मुबारक हो। Yes. Pahalgam calling. I'm getting you. Mission Kashmir का पहला कदम पूरा हो चुका है. Yes. Carry on. Mission Kashmir का पहला कदम पूरा हो चुका है. सुन रहे हो? हाँ, हाँ जी सुन रहा हूँ. टीवी टावर के टुकड़े-टुकड़े हो चुके हैं. हाँ, इसी तरह मैं हिंदुस्तान के भी टुकड़े-टुकड़े होते देखना चाहता हूँ. इंशाल्लाह, लास्ट इतना बड़ा सा कि टावर के टुकड़े निशात पावर चार चिनार तक गिरे हैं. किसी चीज की जरूरत हो तो कहें. मिशन कश्मीर कामयाब होकर रहेगा इंशाल्लाह. या अल्लाह, तेरा अल्लाह तुम लोग वक्त पर बैंक में पैसा जमा करते रहना। आगे अल्लाह करीम। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। मुबारक हो मिशन कश्मीर की पहली फतह, मुबारक हो। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अगला टारगेट क्या है तुम्हारा टीवी टावर के बाद? इसलिए तुम वहां काम करती थी ना टीवी सेंटर में? नहीं खास। तुम क्या सोचती है तुम बच जाओगी? हमें पता है तुम उसे कहां कहां मिलती थी। हमें यह भी पता है कि तुम उसके साथ शिकारे में घूमने जाती थी। किस तरह तुमने उसे टीवी सेंटर में बुलाकर यह जानते हुए कि वो गार्ड्स को मार के टीवी टावर को ब्लास्ट करके भाग जाएगा। अब बताओ तुम्हें ऑर्डर्स कौन देता है? कोई नहीं। Believe me, Khan. Who will believe you? वो जो बने उनकी बेवाई बिलीव करेगी तुम्हें? You're one of them, Sufi. You're one of them. किस तरह तुमने सिक्योरिटी ब्रीच करके उसे अपने ऑफिस में बुलाकर इंटरनल फोन से फोन करवाया? क्या लगता है वो तुम्हारा? कुछ नहीं। मैं उससे प्यार करती हूँ। वो 10 साल के बाद वापस आया तो वो बदल चुका था। मैं जानता हूं उसके मां बाप के मरने के बाद वो मेरे साथ रहा था, मेरे घर। मेरी बीवी भी उसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम करती हो। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर मैं क्या करूं? मैं उनसे प्यार करती हूं। उसे घर पहुंचा दो। उसने कुछ बताया सर? उसे कुछ नहीं पता। बट सर, लीव हर अलोन अविनाश। Uh,
ये बचपन से गुंगा है क्या? नहीं, नजीबुल्लाह के सिपाहियों ने हिलाल का पता पूछा तो जबान निकाली और खच। बच्चा, खबर पक्की है, परसों बाद दोपहर हिंदुस्तान का वजीर आजम वादी में आएगा। मैं उनकी खैर मकदम के लिए तैयार हूँ जनाब। गौर से देखिए, ये तस्वीर एक खतरनाक उग्रवादी की है। नाम अल्ताफ खान, उम्र 21 साल, रंगोरा, कद 6 फुट और आंखें भूरी है। अगर ये दहशतगर्द कहीं नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दीजिए। ये अच्छा नहीं हुआ, अब सारा श्रीनगर तुम्हें पहचान जाएगा। तुम यहां से चले जाओ, गुंजर गांव, कृष्ण रैना का पुराना मकान, जगह दूर पर महफूज है, फौरन। हाँ, नंबर ए। शुक्रिया। कावा अल्ताफ भाई, गफूर के हाथ का कावा। गफूर, यहाँ कहीं आसपास कोई फोन है? है ना, नीचे उधर रहना बड़ी चौक में, कावा पी के जाना, दूर है। कावा मकसूद, कावा। नहीं अबू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नहीं मूड भी ऑफ नहीं है। अबू आप समझने की कोशिश कीजिए, आप अभी यहां मत आइए। तो फिर फाड़ के फेंक दीजिए ना उन टिकटों को, वैसे भी जम्मू से श्रीनगर तक का किराया है कितना। अबू आप समझते क्यों नहीं है, अल्ताफ वापस चला गया है। आप अम्मी को फोन दीजिए। अम्मी, अम्मी आप ठीक कहती थी, मेरा अल्ताफ मर चुका है। अम्मी, हेलो अम्मी, मैं अल्ताफ बोल रहा हूँ। सूफी अल्ताफ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर कभी मुझे फोन मत करना। मुझसे बात किए बगैर तुम्हें फोन क्यों मत किया सूफी? मेरी बात का जवाब दो सूफी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मेरी तस्वीर तुमने टीवी पर दिखाई ताकि मैं मार दिया जाऊं। और जिनको तुम लोगों ने मारा है? सूफी, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? सूफी, मैं जो कर रहा हूं अपने मजहब के लिए कर रहा हूं। मुसलमान मैं भी हूं अल्ताफ, और जानती हूं कि बेगुनाहों और बेकसूरों की कत्ल की इजाजत नहीं देता इस्लाम। तुम सिर्फ अपने मां बाप की मौत का बदला ले रहे हो अल्ताफ। सूफी, मैं कहता हूँ रुक जा सूफी, रुक जा, वरना मैडम आपका फोन है। हेलो, Thank you.
एक बार घर आ जाता, मेरे यहां से एक बार तो खाना खा लेता अल्ताफ। मैं कैसे आता अम्मी, जब भी आने की सोचता तो वो चेहरा तेरे अब्बू का चेहरा, नहीं नकाब के पीछे मुंह छुपाया उस कातिल का चेहरा, गुलियों के बौछार के बीच धुएं से उभरता उस वैशी का चेहरा, गर्म खून के फवारों के बीच। नहीं ना, ऐसा नहीं बोलते अल्ताफ। मैं हूं ना, तू डर मत। मैं डरता नहीं अम्मी, मैं डरता नहीं, पर 10 साल से उस चेहरे ने मुझे सोने नहीं दिया अम्मी। मैं जब भी सोने की कोशिश करता हूं तो वो आंखें मुझे घूरने लगती हैं, और 10 साल से जितने चलते गांव मैंने देखे सब मेरे दिमाग में सुलगने लगते हैं। 10 साल में जितनी चीखें मैंने सुनी है सब मेरे कान में रेंगने लगती है, और 10 साल में जितने मुर्दे मैंने देखे सब उस चेहरे के पीछे से जाकर मुझ पर हंसते हैं। उस चेहरे को मिठा बखेर मुझे निजात नहीं मिलेगी मां, उसे मिठा बखेर मुझे कभी नींद नहीं आएगी। मैं क्या करूं अम्मी, मैं क्या करूं? गोली चाहे जिधर से भी चले लगेगी मेरे ही कलेजे पर। असल में ये जंग तुम्हारे और खान साहब के बीच है ही नहीं, एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ नफरत, एक तरफ इंसानियत है एक तरफ दहशत, नेकी और बदी में, हैवानियत और इंसानियत में, कहर और कश्मीर में क्या जिंदा रहे ये तुम्हें तय करना है अल्ताफ, सिर्फ तुम्हें। इसलिए बहुत सोच समझ कर गोली चलाना बेटा, बहुत सोच समझ कर। मैं कल खुद हेलीकॉप्टर में पूरे एरिया का मुआयना करूंगा सर। परी महल के पास जहां पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा वो एरिया जरा सेंसिटिव है, बाकी उनके वेलकम के लिए मैंने 1000 बच्चों का बंदोबस्त किया है। एक्सक्यूज मी, हेलो, ओके ओके। हाँ तो सर मैंने उनके वेलकम के लिए एक खान, इधर आप पीएम की सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं और उधर आपकी बीवी खुद अपनी सिक्योरिटी को डॉच करके कहीं चली गई हैं, आप बता सकते हैं कहाँ गई होंगे? मैं नीलिमा से पूछूंगा सर। आप पूछें ना पूछें ये आपका जाती मामला है, लेकिन इंटेलिजेंस वालों ने हमें बताया है कि उस दिन पुलिस हेडक्वार्टर में आप पर हमला करने वाले टेररिस्ट की जान खुद आपने जानबूझकर बचाई थी, क्योंकि आपका उससे बहुत पुराना रिश्ता है। देखिए इनायत खान साहब, हम अपने एक प्रधानमंत्री की जान खो चुके हैं जिन्हें मजहब के नाम पर उन्हीं की सिक्योरिटी वालों ने मार डाला था। इन हालात में आपको प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देना मैं मुनासिब नहीं समझता। मिस्टर देशपांडे, ये हम मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बदकिस्मती है कि 21 साल से गोली खाते हुए सिपाही को बार बार अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि उसका नाम देश पांडे नहीं इनायत खान है। लुक मिस्टर खान, यू लुक मिस्टर देश पांडे, कश्मीर की मिट्टी में मेरा खून दफन है, मेरा 9 साल का बेटा दफन है। इस मुल्क से मुझे जो मोहब्बत है वो किसी आईएएस ऑफिसर की सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं। लिसन मिस्टर खान, यू लिसन टू मी मिस्टर देश पांडे, इस स्टेट का आईजी मैं हूं, पीएम की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है और रहेगी जब तक यू डोंट डिसमिस मी।